नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने स्कार्स के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोज़ बनाता हूँ, और जितनी भी जानकारी मैं देता हूँ ये डायरेक्टली US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली जाती है। सारी ऑथेंटिक लेटेस्ट जानकारी है जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको दी जाती है, तो आप इस जानकारी पे भरोसा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स पे। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बना रहा हूँ और एक्सी का बना रहा हूँ। एक्ने का एक्चुअली सीरीज़ बन चुका है ऑलरेडी। एक्ने के बारे में हमने ज़ीरो से लेके बेसिकली एक्ने के बारे में हमने शुरुआत से रूटीन तक, एक्ने रूटीन तक सब बताई। इवन प्रेगनेंसी में एक्ने कैसे ठीक करना है वो भी बताया है। एक्ने सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए। और आज हम बात करेंगे एक्ने के बाद जो आपके स्किन पे स्कार्स हो जाते हैं, जो गड्ढे रह जाते हैं, जो पोर्स, बड़े बड़े डीप पोर्स बन जाते हैं, कभी कभी उठे हुए स्कार्स बन जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है और क्या ऑप्शंस हैं बचे आपके पास। दोस्तों, एक्ने स्कार्स ट्रीट करना वैसे बहुत मुश्किल है, एक बार बन गए तो वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उनमें है प्रिवेंशन। एक्ने स्कार्स मत होने दो, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप एक्ने स्कार्स से परेशान हैं और आप सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। देखिए, ट्रीटमेंट से एक्ने के जो स्कार्स हैं वो कम हो जाएंगे, कई बार ख़त्म हो जाएंगे और कई बार नहीं भी होते। और ट्रीटमेंट जो है आपके स्किन में जो एक्ने के वजह से गड्ढे हो जाते हैं, पोर्स, डीप पिट्स हो जाते हैं, उनको तो कम करते ही करते हैं, साथ में अगर बड़े बड़े रेज्ड स्कार हो गए, उठे हुए स्कार्स हैं, तो उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा आपके स्किन, आपके प्रॉब्लम्स, आपके एक्ने की सिवियरिटी के हिसाब से। और अगर आपने जो जो भी ट्रीटमेंट पहले किया है आपको वो सब ट्रीटमेंट उन्हें बताना है। खासकर अगर आपने आइसोट्रेटिनोइन का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है एक्ने के लिए तो आपको ज़रूर बताना है बिफोर ट्रीटमेंट शुरू हो। सो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के ट्रीटमेंट हैं एक्चुअली एक्ने के। तो दोस्तों, दो प्रकार के एक्ने हमने बताए, एक तो डिप्रेस्ड जिनमें गड्ढे हो जाते हैं, एक रेज्ड जो उठे हुए हैं। दोनों के ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े अलग हैं। पहले बात करते हैं डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स की। डिप्रेस्ड एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं एक चार्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें कि डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स और रेज्ड एक्ने स्कार्स दोनों के ट्रीटमेंट है। डिप्रेस्ड वालों के लिए एक्ने स्कार सर्जरी, रीसरफेसिंग सर्जरी, रीफ सरफेसिंग प्रोसीजर, फिलर, स्किन लाइटनर, स्किन टाइटनिंग, कोलेजन इंडक्शन थेरेपी या नीडलिंग और इलेक्ट्रोडेसिकेशन, ये सारे प्रोसीजर्स की जाते हैं। और ये प्रोसीजर्स अलग अलग इंसान में, अलग अलग एक्ने के लिए अलग अलग कर सकते हैं। एक इंसान में दो अलग जगह पे दो अलग प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सबको डिटेल में समझना ज़रूरी है। सेम वे ये जो एक्ने, रेज्ड एक्ने स्कार के लिए इंजेक्शंस या एक्ने स्कार सर्जरी, लेज़र, क्रायोसर्जरी या स्किन क्रीम्स, जेल, सिलिकॉन है, इनको भी अलग अलग तरीके के रेज स्कार में इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी समझना ज़रूरी है। सो आइए इनको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, रेज्ड एक्ने स्कार के लिए ट्रीटमेंट होता है बेसिकली कि आपके एक्ने थोड़े कम हो जाएँ, कम दिखने लगे और दर्द कम हो जाए। इसके लिए कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंजेक्शंस। आपके डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट कई प्रकार की चीज़ें आपके स्कार टिश्यू में इंजेक्ट करेंगे। उसमें कुछ लोग, इसका उद्देश्य होता है कि स्कार जो है वो सॉफ्ट हो जाए और फ्लैट हो जाए और थिक से लेस हो जाए, कम हो जाए। इसमें जो है बेस्ट रिजल्ट आता है रिपीटेड विजिट्स में। आपको इंजेक्शंस कई दफ़ा लगाने पड़ सकते हैं, कुछ हफ्तों में एक बार लगाना पड़ सकता है, और इंजेक्शन कई दफ़ा लगाने पड़ सकते हैं, कुछ हफ्तों में एक बार वापस आना पड़ सकता है लगाने के लिए। और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपके स्कार्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी बार लगाना है, और आपको 2 से 6 हफ्ते में एक बार आना पड़ सकता है।
कई लोगों को कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगते हैं, कईयों को एक कीमोथेरेपी का मेडिसिन है 5-फ्लोरोयूरासिल, उसका इंजेक्शन लगता है, कईयों को दोनों लगते हैं, कई इंजेक्शंस में इंटरफेरॉन होता है जो कि एक्चुअली कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है। तो इन सारे इंजेक्शंस का एक्चुअली इफेक्ट देखा गया है। और अगर स्कार्स आपके नहीं ठीक हो रहे इससे भी, या फिर चौथे इंजेक्शन के बाद या ट्रीट होना बंद हो गया, रिस्पॉन्स करना बंद हो गया, तो फिर आपको एक्ने स्कार सर्जरी रिकमेंड करी जा सकती है, एक्ने स्कार सर्जरी करानी पड़ सकती है। इंजेक्शंस बेस्ट ट्रीटमेंट है रेज्ड स्कार के लिए, डिप्रेस स्कार के लिए इंजेक्शन नहीं होते, फिलिंग इंजेक्शन हो, फिलर्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शंस हैं। तो और दूसरा ऑप्शन जो है एक्ने स्कार सर्जरी, वो हमने पहले भी डिस्कस किया, एक्ने स्कार सर्जरी रेज्ड स्कार में भी की जाती है, जिसमें कि रेज्ड स्कार को फ्लैटन किया जाता है और सर्जरी जो है दूसरी ट्रीटमेंट्स के साथ मिला के की जाती है। सर्जरी जैसे कि इंजेक्शंस के साथ मिला के की जा सकती है, इनमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड 5-FU इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस लगते हैं, या कई दफ़ा सर्जरी जो है रेडिएशन के साथ की जा सकती है। रेडिएशन में देखा गया है कि सर्जरी के बाद रेडिएशन यूज़ करने से स्कार्स जो हैं वो कम आते हैं, कम बार वापस आते हैं, नहीं तो बहुत बार वापस आ जाते हैं। और लेकिन एक इशू है इसमें, लेकिन उसमें एक इशू है कि रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट से कई दफ़ा आगे चल के सालों बाद, 10 साल बाद आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए डॉक्टर्स कई लोग उसको प्रिफर नहीं करते। तो ये तरीके का ट्रीटमेंट स्कार सर्जरी आपके रेज्ड स्कार के लिए भी की जा सकती है, जिनमें कि ज़्यादा इंजेक्शंस लग रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद एक तरीके का ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट जो है लाइट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, अलग टाइप का है। लेज़र ट्रीटमेंट या अदर लाइट ट्रीटमेंट, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का सेफली आपके स्कार्स के लिए, रेज्ड स्कार के लिए। इसमें बेसिकली एक पल्स डाई लेज़र, PDL लेज़र यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है आपकी इचिंग, दर्द और कलर स्कार का कम कर देता है, साथ ही स्कार को थोड़ा फ्लैट कर देता है। अब ये कलर कम कर देता है तो लाइट स्किन वाले लोगों के लिए दूसरे तरीके का होता है, लाइटर स्किन उनके लिए इंटेंस पल्स्ड लेज़र आता है, IPL लेज़र, वो भी एक ऑप्शन है। सो लेज़र हर प्रकार के एक्ने स्कार में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद क्रायोसर्जरी भी एक ऑप्शन है। क्रायोसर्जरी में आपके स्कार टिश्यू जो है उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है, फ्रीज़ इतना किया जाता है कि वो इवेंचुअली मर जाता है और गिर जाता है, मर जाता है गिर जाता है, लेकिन और ये फ्रीज करने से वो टिश्यू मर जाता है और गिर जाता है। इसके लिए लेकिन कई बार कई ज़्यादा सेटिंग लेने पड़ते हैं और कई बार स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि वो हर जगह पे वो एक लाइट स्पॉट छूट जाता है। सो ये रेज्ड स्कार का एक ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन हर प्रकार के स्किन टाइप में ये नहीं चलता, तो आप डॉक्टर से बात करेंगे कि आपके स्किन के लिए कौन सा बेस्ट है। और लास्ट ऑप्शन आपका है स्कार क्रीम, स्कार क्रीम्स, जेल्स, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन की ड्रेसिंग भी आती है, बैंडेज भी आता है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी अवेलेबल हैं, जो घर पे आप ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपके स्कार्स में इचिंग, डिस्कम्फर्ट कम कर सकते हैं, स्कार्स को थोड़ा फ्लैट कर सकते हैं, फेड भी कर सकते हैं। खासकर सिलिकॉन की जो ड्रेसिंग और बैंडेज आते हैं ये अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन इस कैसे काम करता है ये किसी को नहीं पता। करता है शायद ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है, उसमें पानी डाल देता है, पानी भर जाता है, तो हाइड्रेशन से आपकी पेन इचिंग कम हो जाती है और स्किन थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो वो एडजस्ट कर लेती है। और लेकिन इसमें आपको लगातार यूज़ करना होगा ये पैच, ये ड्रेसिंग। सो कई लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता, काम वाम में जाना है तो लगा के कैसे जाएं फेस पे, लेकिन कुछ लोग विलिंग है, करते भी है और उन्हें फिर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो कंटिन्यूस यूज़ बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इचिंग इरिटेशन कम हो जाती है और धीरे धीरे जो इचिंग इरिटेशन होती भी है कुछ लोगों में, वो अपने आप कम हो जाती है जैसे ही प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करते हैं। ये भी अच्छी एक ऑप्शन है कि आपको एक्नी स्कार का साइज़ कम करने के लिए, डिस्कम्फर्ट करने के लिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट ना ही स्कार, ना जेल, ना सिलिकॉन,
किसी भी एक्ने को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, हर एक एक्ने को, इट्स नॉट लाइकली टू एलिमिनेट अ रेज्ड स्कार खासकर। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो आखिर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ट्रीटमेंट का आउटकम कैसे होगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों। ट्रीटमेंट का आउटकम डिपेंड, सो ये सब डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर पे, वो कौन है, उसकी नॉलेज कितनी है, आप इन सब चीज़ों के बारे में उसकी नॉलेज कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आउटकम कैसा आ रहा है, आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है उस ट्रीटमेंट का। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन चूज़ करें आपके लिए, जिसको एक्सपीरियंस भी हो, नॉलेज भी हो इन सब चीज़ों को यूज़ करने का, कि कौन सा प्रोसीजर किस में यूज़ करना है, कौन सा किस में नहीं यूज़ करना है, और एक्सपीरियंस्ड हो। कहीं से भी ऐसे की ट्रीटमेंट करा लेना, किसी पार्लर से, किसी सलून से माइक्रो नीडलिंग करा लेना, ये ट्रीटमेंट माइक्रो नीडल खुद ले लेने से बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और कोई गारंटी नहीं है कहाँ क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाए। आखिर में दोस्तों जैसा हमने कहा था कि हम आपको टिप्स देंगे, तो हियर वी गो टिप्स के लिए। दोस्तों कई लोगों को लगता होगा कि एक्नी स्कार्स जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकते, इनएविटेबल हैं, और आपको एक्नी हुआ तो स्कार होगा ही होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपना एक्नी स्कार का रिस्क भी कम कर सकते हैं, एक्नी स्कार भी कम कर सकते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना होगा, उसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस हैं। एक्नी को ट्रीट करना बेस्ट ऑप्शन है, एक्नी आया उसको ठीक करो, उसको ट्रीट करो, जितने कम ब्रेकआउट्स आपके होंगे एक्नी उतना ही कम लाइकली है आपको स्कार होना, इसलिए एक्नी प्रिवेंट करो, वो बहुत ज़रूरी है। एक्नी को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो एक्नी बहुत ज़्यादा सिवियर है, सिस्ट बने हैं और बहुत डीप है, दर्द है, लालपना है, या आपके कम उम्र में शुरू हो गए, कम उम्र में अगर आते हैं तो देखा गया है कि उनमें एक्नी बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा कम उम्र में एक्नी जिसको आते हैं उनमें देखा गया है कि एक्नी बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ख़ासकर अगर आपने रिलेटिव्स में किसी को, आपके रिलेटिव्स में किसी को एक्ने स्कार्स हैं तो आपको भी स्कार्स होने का ख़तरा है। ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और अपने डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए। अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे पे जाइए, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट की नॉलेज अलग हो सकती है, डर्मेटोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ये स्किन है, ये खेती करने जैसा है, हर एक को नहीं पता कि कितनी अच्छी फसल कैसे उगानी है। सो दोस्तों ये सारी बात हुई एक्नी स्कार्स की। एक्नी के लिए जाके हमारी एक्नी सीरीज़ देखिए और हमारा FAQ वाला चैनल ज़रूर देखिए, उसमें भी बाकी कई चीज़ें समझाई जाएंगी। सो टेक केयर गाइज, आई होप इसमें आपको मदद मिली है। और एक बात, मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं इनमें से कोई प्रोसीजर नहीं करता हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊँगा, ना ही मैं बता पाऊँगा कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा है आपके एरिया में, या तो इस चीज़ों के लिए आप मुझे फ़ोन ना करें। सो लास्टली, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, डॉक्टर एजुकेशन और डॉक्टर एजुकेशन FAQs बोथ आर अवेलेबल। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR। ये है मेरा चैनल, देखते रहिए, साथ दीजिए, बढ़ावा दीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। कल फिर मिलूंगा इसी समय इसी जगह, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।